पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सादगी की बड़ी मिसाल कायम की है। उनके बड़े बेटे की शादी का समारोह गुरुद्वारे में निहायत ही साधारण तरीके से रखा गया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जमीन पर बैठकर लंगर भी खाया। देखिए, न होटल, न पंडाल, न बाराती बहुतेरे, गुरुद्वारे में ही सीएम के बेटे ने लिए सात फेरे। सादगी की ऐसी मिसाल की सूबे के सबसे बड़े सरदार यानी सीएम चन्नी ने जमीन पर बैठकर खाना खाया, एक आम आदमी की तरह। सत्ता के शीर्ष पर बैठे शख्स के बेटे की शादी में न डीजे बजा, न ही बैंड बाजा, जमीन से आसमान तक सिर्फ शब्द कीर्तन के स्वर गूंज रहे थे। रविवार को पंजाब के मोहाली के श्री साचा धन साहिब गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की शादी हुई। समारोह में राज्यपाल और कैबिनेट मंत्रियों की टोली के साथ बड़ी तादाद में दिग्गज हस्तियां भी पहुंची, लेकिन भोजन के लिए कोई भी टेबल का इंतजाम नहीं था। सबने फर्श पर बैठकर खाना खाया, लंगर से बराबरी का पैगाम फैलाया। सादगी ऐसी कि अकाल तख्त के जत्थेदार भी कायल हो गए। चन्नी साहब का किराए प्रबंध है, ये सारी संगत हाजिर हुई है, ये बहुत ही ज्यादा किराया है, सुटेबल है और मर्यादा के मुताबिक है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बड़े बेटे नवजीत सिंह का विवाह डेरा बस्ती के गांव अमलाला की सिमरनधीर कौर के साथ हुआ। पिता चन्नी खुद ही घर से कार चलाकर गुरुद्वारे पहुंचे और शादी संपन्न होने के बाद भी निजी कार से ही घर लौटे। कुर्सी के अभिमान में जड़ों से नहीं कटे। दौलत, शोहरत और दिखावे की अंधी दौड़ वाले इस दौर में सीएम के बेटे की शादियां सुर्खियां बटोर रही हैं। हर कोई इस सादगी वाली शादी का कायल हो गया है। विशाल अंग्रेश, मोहाली, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।